नमस्ते दोस्तों, आज हम विंस्लो होमर की दुनिया में जाएंगे, जो अमेरिका के सबसे फेमस पेंटर्स में से एक हैं। क्या आप जानते हैं कैनवास पर एक पूरी दुनिया होती है जो कलर्स, ब्रश स्ट्रोक्स और लाइट से बनी है। होमर ने इस दुनिया को पूरा समझ लिया था और हमें ऐसी पेंटिंग्स दी जो नेचर की ब्यूटी और इंसानों की जिंदगी की मुश्किलों दोनों को दिखाती है। जैसे स्टार्स और गैलेक्सीज हमें यूनिवर्स के बारे में बताते हैं, वैसे ही होमर के पिक्चर्स हमें ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। चलो उनके 10 अमेजिंग पेंटिंग्स की जर्नी पर चलते हैं। हर एक पेंटिंग उनकी यूनिक विजन की एक विंडो है। हमारी जर्नी द गल्फ स्ट्रीम से शुरू होती है, एक ऐसी पेंटिंग जो अपने समय से बहुत आगे थी। यह 1899 की एक मास्टरपीस है जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी तब थी। सोचो, एक अकेला आदमी एक छोटी टूटी हुई बोट में, जो उसकी जिंदगी की नाजुक स्थिति को दर्शाती है, बड़े तूफानी सी से घिरा हुआ, जो उसकी मुश्किलों और चुनौतियों का प्रतीक है, आसमान में डार्क क्लाउड्स और दूर एक शिप जो उसकी मदद के लिए नहीं आ रही है, जो उस आदमी की परेशानी को इग्नोर कर रहा है जैसे समाज अक्सर कमजोरों की अनदेखी करता है। क्या आप उस लोनलीनेस को, उस स्ट्रगल को फील कर सकते हैं? यह अकेलापन और संघर्ष हम सभी के जीवन का हिस्सा है। होमर ने सिर्फ एक सीन नहीं बनाया, उसने एक स्टोरी बनाई जो हर इंसान के दिल को छू जाती है। अब हम ब्रीजिंग अप की तरफ चलते हैं, जो 1876 में बनी एक हैप्पी पिक्चर है। विंस्लो होमर ने इसे अमेरिकन स्पिरिट और ऑप्टिमिज्म को कैप्चर करने के लिए बनाया था। यहां हम तीन यंग बॉयज को एक स्मॉल बोट में देखते हैं जो एक ओल्डर मैन के साथ है। ये बॉयज अपने केयरफ्री और एडवेंचरस नेचर को दिखाते हैं। उनकी सेल हवा से भर रही है, जो फ्रीडम और प्रोग्रेस का सिंबल है। वो ओपन सी में जा रहे हैं, उनके फेसेस एक्साइटमेंट से भरे हैं। ये एक्साइटमेंट उनके यूथफुल एनर्जी और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है। ये द गल्फ स्ट्रीम के डार्कनेस से बहुत अलग है। द गल्फ स्ट्रीम में स्ट्रगल और डिस्पेयर दिखता है, जबकि ब्रीजिंग अप में होप और जॉय है। ये पेंटिंग बच्चों की केयरफ्री लाइफ, एडवेंचर और नेचर के साथ कनेक्शन का सेलिब्रेशन है। ये हमें याद दिलाती है कि लाइफ में सिंपल प्लेजर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। चैप्टर 3, द हेरिंग नेट। द हेरिंग नेट, 1885 में हम दो फिशरमैन को अपना नेट खींचते हुए देखते हैं, उनके शरीर मेहनत से थके हुए। ये फिशरमैन अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हुए समुद्र की विशालता और उसकी अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। उनकी आंखों में डिटर्मिनेशन और उनके हाथों में स्ट्रेंथ की कहानी छिपी है। सी एक पावरफुल फोर्स है जो लाइफ और लाइवलीहुड दोनों देता है। यह एक ऐसा तत्व है जो न केवल जीवन को पोषित करता है बल्कि उसे चुनौती भी देता है। समुद्र की लहरें, जो कभी शांत और कभी उग्र होती हैं, जीवन के उतार चढ़ाव का प्रतीक हैं। ओट्रो, विंस्लो होमर के पेंटिंग्स लाइफ, नेचर और ह्यूमन एक्सपीरियंस की कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाते हैं। उनकी आर्ट आज भी लोगों को इंस्पायर करती है, हमें अपनी लाइफ और दुनिया की ब्यूटी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जैसे स्टार्स हमें यूनिवर्स की वास्टनेस याद दिलाते हैं, वैसे ही होमर के पेंटिंग्स हमें ह्यूमन स्पिरिट की डेप्थ याद दिलाते हैं। आपको कौन सी पेंटिंग सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें नीचे कमेंट्स में बताओ। देखने के लिए थैंक्स, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।